हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि हम FSMO रोल्स को NTDS यूटिल कमांड का यूज करके कैसे एक डोमेन कंट्रोलर से दूसरे डोमेन कंट्रोलर पर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए चलिए अपने डोमेन कंट्रोलर्स के ऊपर चलते हैं। तो मैं अपने डोमेन कंट्रोलर के ऊपर आ गया हूं और यहां से मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूं और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूं। तो सबसे पहले NTDS यूटिल कमांड को यूज करने से पहले चलिए एक और कमांड का हम यूज सीखते हैं, जो कि मेरी फेवरेट कमांड है, नेट डॉम क्वेरी FSMO। ये कमांड बहुत सिंपल वे में आपको ये बता देगी इस समय के ये जो पांचों रोल्स हैं वो किस डोमेन कंट्रोलर के ऊपर प्लेस्ड हैं। तो प्रेजेंटली ये सभी के सभी जो हमारे FSMO रोल्स हैं ये DC1.king.jsc के ऊपर प्लेस्ड हैं। चलिए इनको हम किसी और डोमेन कंट्रोलर के ऊपर प्लेस करते हैं। तो इसके लिए ये स्टार्ट करते हैं विद कमांड NTDS यूटिल, और उसके बाद देखिए NTDS यूटिल में बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। अगर हम क्वेश्चन मार्क लगाएं तो देखिए आपके सामने बहुत सारी हेल्प अवेलेबल है यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है रोल्स, और रोल्स के आगे देखिए लिखा हुआ है मैनेज NTDS रोल्स ओनर टोकन्स, यानी कि ये जो रोल्स ऑप्शन है ये हमें हेल्प करेगी FSMO रोल्स को ट्रांसफर करने के लिए। तो मैं यहाँ पे रोल्स लिखता हूँ और एंटर प्रेस करता हूं, तो देखिए आपके सामने FISMO मेंटेनेंस या FSMO मेंटेनेंस का ऑप्शन आ गया है। यहां पे भी आप क्वेश्चन मार्क लगा के देखिए ऑप्शंस को देख सकते हैं, जिनमें से कनेक्शंस एक ऑप्शन है, हेल्प क्विट या ट्रांसफर और सीज हमारी ऑप्शंस हैं। तो यहां पे रोल को ट्रांसफर करने से पहले सबसे पहले मेरे को उस डोमेन कंट्रोलर के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा जिसके ऊपर मैं ये रोल ट्रांसफर करना चाहता हूं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम GUI में अपने एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स या फिर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन्स एंड ट्रस्ट को राइट क्लिक करके चेंज डोमेन कंट्रोलर करते थे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कमांड मेरे को चलानी है वो है कनेक्शंस, ताकि उसके बाद कनेक्शन एस्टेब्लिश कर पाए। तो कनेक्शंस मैंने लिखा, देखिए सर्वर कनेक्शंस में आ गया। यहाँ पे भी बहुत सारी ऑप्शन है जिनमें से एक ऑप्शन है कनेक्ट टू डोमेन या कनेक्ट टू सर्वर। तो हम कनेक्ट होते हैं जिस सर्वर के ऊपर मैंने ये रोल ट्रांसफर करना है उससे। तो मैं लिखता हूं कनेक्ट टू सर्वर और सर्वर का नाम जो कि हमारे केस में है DC2। तो देखिए आपको बता रहा है कि कनेक्टेड टू DC2 यूजिंग क्रीडेंशियल्स ऑफ लोकली लॉकडाउन यूजर, जो कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है और एडमिनिस्ट्रेटर सुपर यूजर होता है हमारे नेटवर्क का। अब देखिए यहां से मेरे को बाहर निकलना है, तो बाहर निकलने के लिए जो कमांड है वो है क्विट। तो मैं एक स्टेप पीछे चला जाऊंगा वहीं FSMO मेंटेनेंस में, और यहां पे जो मेरे को कमांड चलानी है वो ट्रांसफर करने के लिए रोल्स, मान लीजिए मैं PDC को ट्रांसफर करना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा ट्रांसफर PDC। और देखिए आपसे कंफर्मेशन पूछ रहा है कि आर यू श्योर यू वांट द डोमेन रोल ऑफ प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर ट्रांसफर टू सर्वर DC2। तो आप यस कर देंगे, तो देखिए रोल हमारा ट्रांसफर हो गया। तो इसको देखने के लिए दो ऑप्शंस हैं हमारे पास, या तो मैं यहीं से ही क्विट करके और अगेन क्विट करके, या कंट्रोल सी से भी मैं बाहर जा सकता था, दोबारा से कमांड रन करवाऊं नेटडॉम क्वेरी FSMO। तो देखिए आपके पास सभी के सभी रोल्स तो DC1.king.jsd के ऊपर प्लेस हैं, लेकिन PDC का रोल देखिए हमारा प्लेस हो गया है DC2.king.jsd के ऊपर। तो दोबारा से सारा प्रैक्टिकल देखिए। तो सबसे पहले NTDS यूटिल कमांड, उसके बाद आप हेल्प ले सकते हैं या सीधा लिख सकते हैं कमांड रोल्स। तो मैं अप एरो की का यूज करके कम से कम मेहनत करके इसको यूज करना चाहता हूं, तो मैं रोल्स पे क्लिक करता हूं, फिर FSMO रोल्स आ गया, फिर मेरे को उस सर्वर के साथ कनेक्ट करना है, यानी कि कमांड कनेक्शंस लगानी है, और इस बार जो मेरे को कनेक्शन बनाना है वो है विद DC1 के साथ। तो मैं लिखता हूं कनेक्ट टू सर्वर DC1, एंटर प्रेस करता हूं, तो देखिए ये कनेक्ट हो गया है उससे। यहां से क्विट करने के लिए कमांड है क्विट और एक स्टेप बैक। अब हम लिखेंगे ट्रांसफर PDC या जो भी रोल आप ट्रांसफर करना चाहते हैं इस डोमेन कंट्रोलर से DC1 के ऊपर, क्योंकि हम अभी कनेक्टेड हो गए हैं DC1 से। तो देखिए आपसे दोबारा कंफर्मेशन पूछ रहा है और रोल्स ने ट्रांसफर कर दिया है। कंट्रोल सी प्रेस करते हैं, बाहर आ जाते हैं, और देखिए यहां पे दोबारा से क्वेरी करते हैं, और इस बार फिर दोबारा से पांचों के पांचों रोल्स प्लेस हो गए हैं ऑन DC1.king.jsd। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम NTDS यूटिल कमांड को यूज करके रोल्स को एक डोमेन कंट्रोलर से दूसरे डोमेन कंट्रोलर पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जैसे हमने PDC को ट्रांसफर किया है, ऐसे ही हम पांचों रोल्स ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।